नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की विशेष खबर पर। ट्रंप बने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। अमेरिका में हिलेरी क्लिंटन को मात देकर राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले डोनाल्ड ट्रंप को टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2016 चुना और उन्हें डिवाइडेड स्टेट ऑफ अमेरिका का राष्ट्रपति करार दिया। पर्सन ऑफ द ईयर चुने जाने के बाद अब ट्रंप पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर नजर आएंगे, जिसका उपशीर्षक प्रेसिडेंट ऑफ डिवाइडेड स्टेट ऑफ अमेरिका होगा। इस खिताब के लिए उन्हें विश्व नेताओं, कलाकारों, कॉरपोरेट क्षेत्र के दिग्गजों और कुछ खास करने वाले संगठनों के बीच से चुना गया है, जिनका इस साल की घटनाओं पर अच्छा या बुरा विशेष प्रभाव रहा। टाइम पत्रिका की ओर से टाइम पर्सन ऑफ द ईयर नामित होने के कुछ देर बाद ही ट्रंप ने कहा कि यह बड़े सम्मान की बात है, यह बहुत मायने रखता है, मैं टाइम पत्रिका पढ़ते हुए ही बड़ा हुआ हूँ, यह बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है, यह बड़ा सम्मान है, मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे अतीत में भी टाइम पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर स्थान मिला है। बहरहाल, प्रेसिडेंट ऑफ डिवाइडेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाले उपशीर्षक के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने कहा, मैंने अमेरिका को नहीं बांटा है, हम अमेरिका को फिर से एकजुट करने जा रहे हैं, हम अपनी सेना को मजबूत बनाने जा रहे हैं और हम आर्थिक महाशक्ति बनने जा रहे हैं। पत्रिका ने कहा कि व्यवस्था विरोधी व लोक लुभावनवादी के तौर पर प्रचार करने के बाद 70 साल के ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति चुने गए और उनके निर्वाचन के साथ उस प्रचार अभियान का अंत हुआ जिसमें बार बार राजनीतिक परिपाटी भंग हुई। दूसरा स्थान हिलेरी क्लिंटन को मिला है, जो राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेट उम्मीदवार थी। तीसरे स्थान पर ऑनलाइन हैकर्स रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी टाइम के संपादकों ने इस सम्मान के आखिरी दावेदारों के तौर पर 11 लोगों में चुना था। पत्रिका के ऑनलाइन सर्वेक्षण में मोदी विजेता बने थे। इस सर्वेक्षण में उन्होंने दूसरी बार जीत हासिल की है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर के दावेदारों में इस बार मोदी एवं ट्रंप के अलावा पुतिन, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब, यूके इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता निजल फेरेज, अमेरिकी जिमनास्ट और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता सिमोन बिल्स और गायिका बियॉन्स शामिल है। पिछले साल जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। और आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नोटबंदी का एक माह, बैंकों में भीड़ नहीं हो रही कम, कई एटीएम में नकदी नहीं। जयललिता के निधन और दुख के सदमे से 77 लोगों की मौत। करुणा नदी को अस्पताल से मिली छुट्टी। कांग्रेस ने कहा कि नोटबंदी एक मरे बच्चे की तरह। पीआईए का विमान एबटाबाद के निकट दुर्घटनाग्रस्त, 48 लोग मारे गए।